दोस्तों, अभी तो गर्मी का मौसम है, इसमें खीरा बहुत अच्छा से मांग रहता है। लेकिन गर्मी का मौसम जैसे ही ख़त्म होगा तो खीरा उपजना भी कम जाता है, और आप इसी में उपजाइएगा तो खीरा का खेती करने से आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि अभी तो खीरा बहुत ज़्यादा रहता है। और इसके बाद सीजन जैसे ही अभी वाला ख़त्म होगा उसके बाद खीरा कम मिलने लगता है, क्योंकि बरसात आ जाता है। बरसात से पहले आप खीरा लगा दीजिएगा इसी महीने मई जून में, तो देखिएगा आपका खीरा बहुत अच्छा मांग रहेगा। इसमें आपको दो तीन जुताई आराम से कर देनी होगी, खेत में नमी बना देना होगा, और तीन काम आपको जरूर करना होगा। खेत में नमी बना के उसके बाद खीरा लगाने के लिए आपको क्यारी बनाना होगा, क्योंकि इसके बाद बरसात का मौसम आ जाएगा। बरसात का मौसम में इसमें पानी थोड़ा भी लगेगा तो उसे सूख जाने का डर रहता है। और खीरा कैसे लगाया जाता है और क्या क्या करना चाहिए, सारे चीज़ के बारे में बताएंगे A to Z विधि। आप पूरा अंत तक देखिए, ऐसे पॉली हाउस ग्रीन हाउस में पूरे साल आसानी से किया जाता है। लेकिन खीरे का मांग गर्मियों के में ज़्यादा देखने को मिलता है, और इसमें मांग भी ज़्यादा रहता है। और उस समय अभी जो लगाइएगा वो खेती का समय, जब आपका बड़ा बड़ा खीरा होगा तभी उस समय लगन का मौसम चलता रहेगा। तो वो लगन के मौसम में ज़्यादातर लोग किसान भाई का बहुत अच्छा महंगा भी बिक जाता है और अच्छा दाम भी मिल जाता है। ऐसे पूसा उदय हुआ, पूसा बरखा हुआ, ऐसे तो खीरा में बहुत सारा वेराइटी आता है। जापानी लॉन्ग ग्रीन होता है, और इसमें एक आता है बिना सीडलेस वाला, जो कि थोड़ा महंगा बीज मिलता है, वो भी आप लगा सकते हैं, वो भी देसी किस्म है। और खीरे की खेती के लिए बलुई और दोमट मिट्टी, जल जमाव ना हो, इसके लिए खेती के काफ़ी अच्छा माना जाता है। आप खेती के लिए आप अच्छी तरह से खीरे का जल जमाव जिस मिट्टी में ना हो, जिस मिट्टी में बहुत अच्छा हो मिट्टी, और उसमें आप लगाइएगा तो बहुत फायदा होगा। और इसके खीरा का गर्म जलवायु है, लेकिन पॉली हाउस में खीरे के पूरे वर्ष में खेती की जाती है। ऐसे आप इसमें ने जो खीरा लगाइएगा वो हाइब्रिड ही लगाइएगा। अब इसमें ऐसे नहीं लगा दीजिएगा, दूसरा भी खीरा लगा दीजिएगा तो वो उतना सर्वाइव नहीं करेगा। हाइब्रिड किस्म का लगाइएगा, जिससे जल निकासी का सुविधा होगा और खेत में मिट्टी का pH मान 5.5 से 6.7 तक होना चाहिए, और भूमि में खीरे की खेती अच्छी होती है। ऐसे तो खीरे के अच्छी पैदावार और फल फूल के लिए 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है तो बहुत अच्छा होता है, और रोगों और कीटों का प्रभाव बंधन बढ़ जाता है। अभी वाला जो खीरा लगाइएगा उसमें उतना ज़्यादा रोग नहीं लगता है, लेकिन इसके बाद थोड़ा रोग ज़्यादा लगता है, तो उसके लिए स्प्रे कीजिएगा तो आपका बहुत अच्छा रहता है। और भूमि को 3-4 बार जुताई अच्छी तरह से कर देंगे, और पलट के मिट्टी को इधर उधर तिरछा जुताई कर दीजिएगा। पानी दे के ऐसा काम कीजिएगा, या पहले जुताई कर दीजिएगा उसके बाद पानी दे दीजिएगा, और तब क्यारी बना दीजिएगा। क्यारी बनवा के उसमें थोड़ा ही पानी हल्का दीजिएगा, इतना ना जो ज़्यादा दे दीजिएगा। फरवरी से लेकर जून के प्रथम सप्ताह पे दक्षिण भारत में बुआई होती है, जून से लेकर अक्टूबर तक दक्षिण भारत में बुआई होती है। ऐसे सारे भारत में फरवरी से जून तक की जाती है, जून जुलाई तक भी आप कर सकते हैं। और गर्मियों के खीरे का फसल जल्दी लेने के लिए खीरे में नर्सरी प्रोट्रे में आप तैयार कीजिएगा। नर्सरी 20 से 25 दिन में रोपने के लिए बहुत आसान हो जाता है, और खीरे के बुआई 1.5 सेंटीमीटर अंदर मीटर अंदर करना चाहिए, मतलब छोटा छोटा गड्ढा बनाइए, दो बीज का बुआई करें। ऐसे तो एक बीज भी आराम से फफूंदी नाशक लगा दीजिएगा बीज में, तो 2.5 kg आपको प्रति हेक्टेयर के दर से 2 से 2.5 kg आपको लग जाएगा बीज, और वो अंकुरित हो, थोड़ा अंकुरित होता है तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर अंकुरित नहीं है तो ऐसे भी आप फफूंदी नाशक लगा दीजिएगा। और उसमें एक ही बीज हाइब्रिड वाला में रखिएगा, और वो भी एक हाथ की दूरी पर रखिएगा, और थोड़ा क्यारी बड़ा बनाइएगा और ढाट विधि द्वारा ऊपर चढ़ा दीजिएगा। और 5 से 8 दिन के अंतराल पर गर्मियों में आपको पानी देना होगा, और 5 से 8 नहीं, बिहार यूपी में तो देखा जाता है जो 4 से 5 दिन पे भी दिया जाता है। ऐसे गंगा के क्षेत्र में अभी तो लगाने का समय अभी लगा दीजिएगा, लेकिन बारिश आने से उस समय में पानी चढ़ जाता है, इसलिए बहुत दिक्कत होता है। आप 55वां दिन जैसे ही स्टार्ट होगा पहला खीरा के तुराई, तो उससे पहले आप इसमें खाद उद अच्छी तरह से दे दीजिएगा, और इसका कीट कद्दू लाल कीट खीरे फतंगा बहुत आता है, इसलिए इस पर दवा का स्प्रे कीजिएगा। और तुराई की बात करें, फलों की तुराई 2-3 दिन के अंतराल पर आराम से करना चाहिए, जिससे यह फलों का तुराई बराबर करते रहिएगा तो आपको कच्चा वाला फल अलग होते रहेगा, मतलब अच्छा वाला, और फिर वो दूसरा फल आएगा। ऐसे ही करके 15 से 35 टन हो जाता है, और इसमें सीडलेस वाला का ज़्यादा मांग रहता है, आप सीडलेस भी लगा सकते हैं, और इसमें आपको ज़्यादा फायदा भी होगा सीडलेस वाले में। जो ये होता है सीडलेस का
मांग ज़्यादा रहता है और वो ज़्यादा उत्पादन भी देता है। और वो आप लगा सकते हैं। धन्यवाद इतना देर वीडियो।